तो हेलो फ्रेंड्स, आज का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला कि सॉन्ग को कैसे मिक्सिंग मास्टरिंग किया जाता है पूरा प्रोफेशनल तरीके से, पूरा डिटेल्स में बताने वाला। तो देर न करते वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को एक वोकल जो है से रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद आप लोग जो भी अगर इफेक्ट जो पहले लगाते हो गाते समय, उसके बाद वो सिंगर को गाने के लिए रहता है, आप उसको मिक्सिंग करने के लिए उसमें अलग अलग सा इफेक्ट लगता है। तो देखिए, मैं आप लोगों के सामने इसको क्या करता हूँ, एक यहाँ पर इसको जो है से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको डुप्लीकेट करके इसको मैं एक कलर दे देता हूँ ताकि मैं इस पर आप लोगों को सिखाऊँ, ठीक है। इसको अभी इसको हम म्यूट कर देते हैं, ठीक है, और सबको म्यूट कर देते हैं जो कि इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को वोकल सुना देता हूँ। हो गई निपुरा डीका रेट बलम करिया ऊपर नीच सेठ बलम सेठ बलम। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें हमने पहले गाया है, जो कि जो इफेक्ट लगाया है उसको सुना देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है ना, तो इसको हम सुना दिया आप लोगों ताकि इसमें आप लोगों को कुछ सिखा सकूं, ठीक है। हालांकि देखिए, इसमें लगाया गया है, पहले मैंने लगा लिया है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो इसमें जो डीले जो हम लोग यूज कर रहे थे, ये इसमें डीले का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। इस वाला डीले को कोई काम नहीं, ठीक है, कि इसको भी मेरा कोई काम नहीं है, तो इसको हटा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को एक नया तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को वोकल में कोई ये रहेगा, ठीक है, ऑटो ट्यून आपको रहेगा, ठीक है। ठीक है, और इसको बंद कर अब हम लोगों को लगाना है क्या, इसमें इफेक्ट लगाना है। तो इफेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले डीले में जाना पड़ेगा। डीले में जाने के बाद आप लोग पिंग पोंग भी ले सकते हो, क्योंकि खुद इनका ही मतलब जो क्यूबेस 5 है उसी का सॉफ्टवेयर है, आप लोगों को कहीं से बाहर से नहीं लाना होगा, ठीक है। उसके बाद इसको कर देना है इतना पर, इसको 25 से आप 25 के लगभग रखिएगा, ठीक है। इसको आप सुनते हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें इसको ऊपर कर देता हूं। हालांकि इसको मैंने एथी कर दिया था, ये तीनों को मैंने गाया है, ठीक है। तो आप लोग देख लिए कि किस तरह से इसमें इफेक्ट लगाया हूं और काम कर रहा है, ठीक है। अब अब यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को सबसे जो गाना होता है तो हम लोगों को सबसे ज्यादा इक्वलाइजर पर काम करना है, ठीक है। हालांकि ये जो है इसमें लगेगा, इसमें हो गई निपुरा डीका रेट बलम करिया ऊपर नीच सेठ बलम बेरी बेरी सर के अचरवाया के पीन लगा दी लड़ जाई सड़िया पटालब नजरिया ता सड़िया फिर से पहिरे के पड़ जाई। अगर आवाज कम आ अगर आप लोगों को आ रहा तो आप लोग ये सारे इफेक्ट लगा, हो गई निपुरा डीका रेट बलम। इसको बंद कर देता हूँ, करिया ऊपर नीच सेठ बलम सेठ बलम। अब थोड़ा सा म्यूजिक के सुन लेते हैं। हो गई निपुरा डीका रेट बलम करिया ऊपर नीच सेठ बलम बेरी बेरी सर के अचरवाया के तीन लगा दी लड़ जाई।
है ना। अब इसको आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अगला वीडियो में कि कैसे इसमें इफेक्ट्स लगाना है, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। ठीक है।